पिता ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, बहुत रो रही है, तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंची, भगवान का मन विचलित हो गया, क्योंकि देखिए जो प्रेम करते हैं ना, क्रोध कितना भी हो चिंता नहीं छोड़ सकते। जो सच में प्रेम करते हैं वो कितने भी बात को लेकर क्रोधित हो लेकिन उनकी चिंता, तो भगवान को चिंता हो रही है कि ये तो ज्यादा हो गया, भोजन ही नहीं कर रही अब, तो भगवान कहते अब तो मनाना पड़ेगा। पर भगवान कहते सीधे सीधे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, क्या पता सीधे सीधे गए राधा जी कहेगी एक खबर मिली नहीं कि आ गए मुझे मनाने, बलदाऊ भैया ही कह देंगे कि शादी पक्की हुई नहीं, चला जोरू का गुलाम। तो भगवान कहते क्या करे, पर कुछ तब भगवान की नजर यशोदा मैया पर पड़ी और भगवान ने अपना रूप बदला, घाघरा चुन्नी पहनते हैं, मनिहारी का वेश बनाते हैं, खूब सारी चूड़ियां इकट्ठा कर राधा जी के घर के बाहर आवाज लगा रहे, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। चूड़ी सुनते ही उनको एक बार के लिए, उनको चूड़ियां बहुत पसंद थी, राधा जी उनको बुलाती है और चूड़ी पहनाते पहनाते धीरे से अपना घूंघट उठाते हैं, अपना चेहरा दिखाते, और चेहरा देखते ही तो राधा जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है। इस प्रकार भगवान ने राधा जी को फिर से प्रसन्न किया।